a 1992 man. श्रीनगर गया था लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए और आतंकवाद बड़े पूर जोर में था और आतंकवादी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को जमीन पर रौंदते थे, उसको जलाते थे, उसको अपमानित करते थे, तिरंगे झंडे से अपनी कार साफ कर रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं और कैमरा के सामने सब करते थे। ये दृश्य मेरे दिल में आग पैदा कर रहा था। तो हमने एक यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से, तिरंगा झंडा लेकर के चल पड़े थे हम और तय किया था कि हम श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के तिरंगा झंडा फहराएंगे। मैं तो आतंकवादियों की इस जगह पे जाके तिरंगा झंडा फहराने का सोचना क्या क्या लगता है मित्रों? हम निकले तो श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों ने पोस्टर्स लगाए थे, दीवारों पर लिखा था कि हम देखते हैं कि किसने अपनी मां का दूध पिया है कि जो श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहरा करके वापस जाए। ऊर्जा प्रदेश में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा परियोजना से विकास की इस नई ऊर्जा ने युवाओं के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के नए द्वार तो खोले ही हैं। ये पलायन रोकने और राज्य को पर्यावरण हितैषी ऊर्जा देने में भी कारगर होगी। सोलर ऐसी स्कीम है जो सरकार ने निकाली है, बहुत अच्छी स्कीम है। और जहाँ तक मैं अपना बिजनेस छोड़ के नोएडा से और यहाँ पे आया हूँ, ये बहुत अच्छा फील्ड है, ये बहुत अच्छा है। इस पर आगे पलायन रोकने के बहुत अच्छे उपाय हो सकते हैं। सरकार के से धन्यवाद करूँगा मैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहाड़ों पे लगे। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौर ऊर्जा प्लांटों का आवंटन किया है, उसमें से 500 किलोवाट का मुझे भी आवंटित हुआ है। बगवाली पोखर ग्राम कामा में लगा रहा हूँ। हमारी जो बंजर ज़मीनें हैं वो ऊर्जा पैदा करेंगी और हमारी बंजर ज़मीनें बेकार नहीं पड़ी रहेंगी। पलायन रुकेगा, कुछ नागरिकों को इसमें रोजगार मिलेगा। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के 283 उद्यमियों को 800 करोड़ के सौर ऊर्जा प्लांट आवंटित किए हैं। इनसे 202 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। जो परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, उनमें अल्मोड़ा में 36, बागेश्वर में 10, चंपावत में 2, चमोली में 10, देहरादून में 21, नैनीताल में 36, पौड़ी में 67, टिहरी में सबसे ज्यादा 77, पिथौरागढ़ में 1 और उत्तरकाशी में 23 प्लांट शामिल हैं। सोलर एक ऐसी एनर्जी है, एक तो जो सस्टेनेबल है, जो सदैव है, तो उससे हमारे को जहाँ हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, लगभग हम 1,000 करोड़ की बिजली नेशनल ग्रिड से हम खरीदते हैं, वो निर्भरता भी हमारे पर, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य को अच्छा राजस्व भी मिलेगा। सौर ऊर्जा की इन परियोजनाओं से 850 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ साथ प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 303 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा भी प्राप्त होगी। समग्र विकास की ओर उत्तराखंड। जब मैं इतनी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के चलते चलते हैदराबाद पहुंचा तो मुझे वहां से वो पोस्टर वगैरह के फोटो ये सब मेरे पास आया और मैंने हैदराबाद से अपनी स्पीच बदल दी। मैंने अपने भाषण का रंग रूप बदल गया, मेरा भीतर से आवाज उठी और मैंने हैदराबाद की सभा में ललकार किया था। उसके बाद में एक महीने के बाद 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में पहुंच रहा था और तब मैंने कहा था मित्रों, उस समय की अगर वीडियो क्लिपिंग हो गया तो आप देख सकते हैं, और मैंने भरी सभा में हैदराबाद में कहा था, मैंने कहा मुझे आतंकवादियों ने मुझको ललकारा है और आतंकवादियों ने कहा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है जो 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में आकर तिरंगा झंडा फहराया है। और तब जाकर के मैंने कहा था, मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा, मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा। और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी माँ का दूध पिया। और मित्रों, में समय पर गया, तिरंगा झंडा फहराया और आज आपके सामने खड़ा हूं। उत्तराखंड की बदलती तस्वीर, यहाँ का बढ़ता पर्यटन और अनेक संभावनाएं गवाह हैं यहाँ बढ़ते निवेश के। किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ मौजूद संसाधनों पर निर्भर करता है जिसके लिए पूंजी निवेश आवश्यक है।
उत्तराखंड अपने निवेश के लिए मददगार नीतियों के कारण पूंजीपतियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। राजधानी दिल्ली से निकटता, यहाँ की जलवायु व भौगोलिक स्थिति, दक्ष मानव संसाधन, उच्च शिक्षण संस्था, श्रम असंतोष का न होना निवेशकों के आकर्षण की प्रमुख वजह है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में निवेश की असीमित संभावनाओं को चिन्हित कर ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे न सिर्फ पूंजी निवेश बढ़ा अभी तो निवेश के कई नए आयाम भी खुले। हमने पिछले साल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था जिसमें 1,24,000 करोड़ रुपए के निवेश पर MOU हस्ताक्षरित हुए थे। साथ ही 18,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव धरातल पर भी उतर चुके हैं। देवभूमि से जाने जाने वाली उत्तराखंड की धरती में पर्यटन, IT, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा, वेलनेस सहित सेवा क्षेत्र की असीम संभावनाओं को पहचानते हुए उत्तराखंड सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं। चार धाम हाईवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन सह अन्य आधारभूत संरचनाओं के कई परियोजनाओं से न सिर्फ पूंजी निवेश हुआ अपितु अन्य क्षेत्रों जैसे पर्यटन, IT, वेलनेस, ऊर्जा, शिक्षा आदि में भी निवेश के दरवाजे खोल दिए हैं। साथ ही साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारों का भी सृजन हुआ है। अपने युवाओं के दम पे उत्तराखंड विकास के पथ पे अग्रसर हो चला है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।